हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। जैसा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स बार बार पूछ रहे थे कि क्या अगर ट्रिपल सी इस समय नहीं है या फिर फॉर्म भरने समय इनके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट नहीं है तो क्या वो लोग फॉर्म नहीं भर सकते, या फिर अगर फॉर्म भर देंगे तो क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय उनको बाहर कर दिया जाएगा। तो इस संबंध में हमारे एक सब्सक्राइबर ने हेल्पलाइन पर कॉल करके उनसे जानकारी ली है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जो इस संबंधित जानकारी है वो आप सभी को पता चल जाए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरे अकॉर्डिंग ऐसा हो सकता है कि आप लोग फॉर्म भरें और उसके बाद अगर ट्रिपल सी कर लें तो हो सकता है कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई दिक्कत ना हो, हो सकता है दिक्कत हो। सही जानकारी के लिए हेल्पलाइन पर कांटेक्ट करें। तो इसी संबंध में आप लोगों के लिए ये वीडियो लाई गई है कि देखें UPRVNL की तरफ से क्या जानकारी मिलती है और उनका क्या कहना है। जानकारी देने के लिए धन्यवाद। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, वहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में दिया गया है पोस्ट के रिगार्डिंग कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब तक आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर आपकी बात सही है, लेकिन ऐसा होता कुछ फार्मों में ये कहते हैं कि साहब नोटिफिकेशन से पहले का ही ट्रिपल सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, हमारा तो बात का होगा ना। जी नहीं, वहाँ पे लिखा है क्लियरली, आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ लीजिए। एडवर्टाइजमेंट में जो पोस्ट में 8 नंबर का जो पोस्ट है जो जी टेक्निकल ग्रेड 2 इलेक्ट्रिशियन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। हाँ, इलेक्ट्रिशियन के लिए कर रहे हो जी। तो वहाँ पे दिया गया है कि ट्रिपल सी सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र पत्र अभिलेखन परीक्षा के समय तक प्रस्तुत करने का अनिवार्य होगा। अच्छा। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको ट्रिपल सी सर्टिफिकेट वेरीफाई किया जाएगा। अच्छा, तो मतलब इस समय अगर जैसे इस समय मेरे पास नहीं है तो मैं यस करके फॉर्म भर दूं तो मेरी ट्रिपल सी मान्य होगी फिर तो? जी जी जी, मान्य होगी।